तो चलिए आज हम आपको चैप्टर नंबर सेकंड में एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फाइव इक्वेशन कराने जा रहे हैं, जो कि आपने पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं लगातार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव के हम दोबारा से आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रिपीट करा था, जिससे आप लोगों को रिविज़न हो कि हम बता कौन सी इक्वेशन रहे। तो आपको बताता हूँ, स्पिरिट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। स्पीरीड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन मैंने बोला था या लिख के भी दिखाया था, मैंने एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको खुद कन्फ्यूज़न ना हो, और हिंदी में अगर जानने वाले हैं तो हिंदी में भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, उपरोक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। उपरोक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बोल दिया है, आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मैं कौन सा करा रहा हूँ। तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पांचवा और छठा क्वेश्चन करवा के फिनिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। माइनस के 2x प्लस 5 बाय माइनस के 3z का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपको मैंने अभी तक पिछली चार इक्वेशन कराई है, जिसमें जो फॉर्मूला लगा उसी भी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे। आपको अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि मैं माइनस की अगर कोई आ जाती इक्वेशन तो कैसे हम पॉजिटिव वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। किस बात की देरी है, तो एक बार और फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं जिससे आपको रिविजन हो सके। फॉर्मूला है पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ब्रैकेट बंद। तो देखा फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना या फिर कहीं कॉपी में अलग से लिख के रख लेना। तो चलिए अब हम इसको फॉर्मूले को पुट करते हैं, इससे पहले पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारी है, कंपैरिजन करने पर पी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2x कॉमा क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, एक मिनट, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी 5 बाय है ना कॉमा आर की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 3z। अब कुछ नहीं, अब क्या करना है, पी क्यू आर को इन पूरी इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए या नाउ लिख लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे फॉर्मूले में डरते जाएंगे, माइनस के 2x प्लस के 5 बाय माइनस के 3z का होल स्क्वायर। पी क्यू आर की वैल्यू पहले हमने पी क्यू आर की जगह पर हमने पहले नंबर यहाँ रख दी वैल्यू, तो ये ऐसी आ गई। अब पी क्यू आर में यहाँ रखेंगे, माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 बाय का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का होल स्क्वायर आपके सामने लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे प्लस के आएंगे, 2 पी क्यू क्यू आर और आर पी है, इन दोनों को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, प्लस का निशान लगा के हम नीचे से लिखेंगे, 2 बड़ा ब्रैकेट लगाएं। अब पी क्यू यानी पी क्यू इंटू में तो माइनस के 2x इंटू 5 बाय होगा, माइनस के 2x इंटू 5 बाय ब्रैकेट में प्लस क्यू आर यानी 5 बाय इंटू माइनस के जेड 5 बाय इंटू माइनस के 3z है ना। अब क्या होगा, प्लस अब नीचे से स्टार्ट होगा थोड़ा, माइनस के 3z इंटू माइनस के 2x। वो थोड़ा लेंदी था ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पहुँच गई है ना। तो आप लोग को ऐसा करना है कि थोड़ी छोटी छोटी राइटिंग में लिखना है, मैं तो थोड़ा क्या इससे कलर पे स्केच पेन से लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ऊपर तक पहुँच रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है वर्ड, और आपको समझने भी आ सके इसलिए मैं बड़े वर्ड लिख रहा हूँ, है ना। तो चलिए इसको यहीं पे कैरी ऑन कर देते हैं। अब इनका स्क्वायर करेंगे, देखो इवन नंबर है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्यों नहीं जानते हैं ना। तो इसलिए 4x² हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस के 5 बाय का स्क्वायर क्या हुआ 25 का और ये बाय स्क्वायर है ना, 25 बाय स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब माइनस के 3z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9z² है ना, ये तो आप भी जानते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। अब प्लस का निशान लगाएंगे, अब 2 के अंदर की ये सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे, माइनस के 2x का इंटू 5 बाय से करेंगे
तो देखो पहले नंबर तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस एक तरफ है यहाँ नहीं है, फिर 5×2 से करेंगे 5×2 या 10, फिर एक्स बाय आ जाएगा साथ में, आ गया। अब क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लग गया। अब 5×3 से करेंगे 15 बाय और जेड पीछे आ जाएगा इंटू में, है ना। अब देखिए यहाँ भी नेगेटिव, दोनों इंटू में क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। 3×2 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 और जेड एक्स आ जाएगा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद है ना। अब 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² प्लस, अब देखिए अब क्या करना है प्लस, तो अब मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या लिख दिया प्लस, लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस लिखा है ना, प्लस तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं अंदर 2×2 करूँगा तो यहाँ पे पहली एक और ये दोनों तो नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव का जब पॉजिटिव से इंटू होता है क्या आता है, नेगेटिव ही आता है ना, तो इसलिए ये दोनों जब नेगेटिव है तो दो बार क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। और 10×2 से करेंगे 20x क्या है ना। अब माइनस फिर से क्योंकि दो हैं, 15×2 से करेंगे 30y है ना। अब 6z है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव के कैटेगरी में आ जाएगा, 6×2 आ जाएगा और z तो है ही। देखा फ्रेंड, हमने आपको कितने फटाफट यह इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखा दिए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बना तो जाना ही नहीं, जिससे आपको रोजाना डेली की वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4th का 5 पार्ट तो बता चुके हैं, यानी 5 इक्वेशन बता चुके हैं, अब एक लास्ट इक्वेशन देगा ये जो 6th नंबर की है वो और सॉल्व करा देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4th की 6th नंबर की इक्वेशन पढ़ते हैं और लिखते हैं, आप लोग भी पढ़िए और जब तक वेट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की हमारी लास्ट इक्वेशन रह गई है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जैसे कि अब यहाँ पे आपको पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, इतनी बार मैं बता चुका हूँ, नहीं है तो आपने लिख के रखा होगा, तो आप उसको देख लीजिए एक बार और फिर यहाँ देखिए। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे बिना इक्वेशन की वो कंपैरिजन बता देता हूँ। पी की वैल्यू हमने मान ली 1/4 है ना, कॉमा 1/4, एक मिनट फ्रेंड्स एक मिनट, हाँ 1/4 ए, सॉरी गलती हो गई ज़रा। क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस की 1/2 बी कॉमा, और हमारी ये आर की वैल्यू है वो 1 हो गई है ना, वो थोड़ा क्या यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मेरे को ऐसा लगा कि कॉमन अपन लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपके सामने दिया गया है ये पी की वैल्यू माइनस इक्वल में 1/4, ए की वैल्यू हमारी दी गई है क्या नाम है की इक्वल्स टू में माइनस की 1/2 और बी की वैल्यू दी गई है ना। तो R की वैल्यू भी दी गई है। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं अब सीधा सीधा फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। एक बार ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ढंग से देखना, क्योंकि अगर आप पूरा ढंग से देखोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगी इक्वेशंस। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, आप इक्वल लगाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया अपनी। देखिए पहले क्या होता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर तो लगा देते हैं हम, 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे 2 लगाया, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं जिसमें पहले क्या होता था पी क्यू फिर प्लस क्यू आर प्लस आर पी होता था। पहले पी क्यू क्या है, पी क्यू में पी इंटू क्यू, तो ब्रैकेट लगाया 1/4 ए इंटू माइनस के 1/2 बी है ना, ब्रैकेट बंद। अब प्लस का निशान अब नीचे से लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो, है ना फ्रेंड्स। अब जैसे कि अब पी क्यू हो गया, अब क्यू आर है ना, पहले पी क्यू होता था अब क्यू आर होगा, तो ब्रैकेट लगाया माइनस के 1/2 बी इंटू 1 है ना। अब पी क्यू हो गया, क्यू आर भी हो गया, अब क्या होगा लास्ट प्लस के आर पी, प्लस लगाया आर पी क्या है हमारा 1 और पी क्या है हमारा इंटू में 1/4 ए, ब्रैकेट 1 और बड़ा वाला ब्रैकेट भी 1 है ना।
अब कुछ नहीं, अब इस वाले फॉर्मूले को तो इसी तरीके से, अब यहाँ पर इक्वेशन दी गई जितनी सी, इसको तो ऐसे ही दोहरा सकते हैं। आप लोग पूरा पूरा लिखना, इस तरीके से निशान मत लगाना, वरना आपके नंबर कट सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब वन अपॉन की फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन की फोर का स्क्वायर अपन करते हैं तो फोर जो 16 होता है, तो वन अपॉन की 16 ए स्क्वायर, क्योंकि वन का कितना भी स्क्वायर कर लो वन ही आता है, इसलिए हमने वन को ऐसे रख दिया है ना। अब यहाँ देखिए इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव, वन अपॉन की टू है तो वन अपॉन की फोर हो जाएगा, टू टू या फोर होता है ना, और बी का स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, वन की वन रहेगा प्लस टू ब्रैकेट में। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या है वन अपॉन की फोर, वन अपॉन के फोर ए इंटू माइनस के वन बाई टू बी। तो देखिए एक तरफ माइनस है एक तरफ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस के यहाँ आ जाएगा, है ना, माइनस के यहाँ आ जाएगा, और माइनस के वन बाई टू इंटू वन अपॉन फोर ए है, तो देखिए फोर का इंटू टू से करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट तो वन अपॉन फोर टू जा एट, और ए का इंटू बी से कर देंगे ए बी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए यहाँ एक तरफ माइनस है एक तरफ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस का ही आएगा, तो माइनस के वन वाई टू बी, क्योंकि वन का इंटू करो तो बन ही रहता है ना, तो यहाँ पर जी इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो वन का इंटू वन अपॉन फोर ए से करेंगे क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर ए ऐसे गई ऐसा, है ना। अब ब्रैकेट बंद, अब क्या करो टू का इंटू कर दो, इक्वेशन सॉल्व, 16 ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर बी स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब देखिए प्लस के टू का इंटू माइनस के वन अपॉन एट ए बी से करेंगे तो यहाँ तो माइनस ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का इंटू नेगेटिव से करो तो माइनस, और दूसरी बार टू इंटू वन अपॉन एट ए बी ऐसा रखो। फिर यहाँ पर देखिए टू का इंटू पॉजिटिव टू का इंटू माइनस के वन बाई टू बी से करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव टू इंटू वन बाई टू बी, है ना। इस तरीके सॉल्व करिए, अगर आप इस तरीके से करेंगे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। फिर पॉजिटिव टू का इंटू यहाँ पर पॉजिटिव के क्या वन बाई फोर से करेंगे तो टू इंटू वन अपॉन के फोर ए इस टाइप से आ जाएगा, है ना। अब क्या करें नीचे वाली इक्वेशन में करते हैं सॉल्व इन्हें, वन अपॉन के 16 ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन के फोर बी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर प्लस के वन लिख दिया, अब मैं इसके आगे क्यों नहीं कर रहा मैं यहाँ बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ को भी करके नहीं दिखाया, यहाँ माइनस के यहाँ पर लिखा ही है, ये तो माइनस तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये देखो ये माइनस तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ टू का इंटू अपन इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि टू का फोर से काटेंगे तो टू फोर जा एट होगा, होगा ना कि नहीं होगा, इसलिए वन अपॉन फोर आ जाएगा और ए भी, ये टू से कट जाता है ना, ऐसे ही यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ टू से टू कट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के बी, तो बी रहने दो क्या है ना, तो फिर उसके आगे यहाँ पे टू से फोर को काटो टू बचेगा, तो क्या बचेगा प्लस के वन बाय टू ए, है ना, यही हमारा बचना था लास्ट में। तो आंसर क्या आ गया आपका, जो स्पिरिट मैंने बोला था स्पीड क्या आ गई हमारी, यानी प्रसाद, वन अपॉन के 16 ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन के फोर बी स्क्वायर प्लस वन माइनस के वन अपॉन के फोर ए बी माइनस के बी प्लस के वन अपॉन के टू ए, यही आपका आंसर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स हमने आपको कितनी आसानी से समझा दिया, बस केवल क्या काम है इसमें फॉर्मूले का काम है, तो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के रखना, और बाकी सारी चीज़ें आप टाइम आप है ना स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे जैसे मैंने समझाया, और बिल्कुल भी वीडियो अगर आपने स्किप नहीं की है तो आपको पूरी इक्वेशन ढंग से समझ नहीं आ जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, जितना फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह ऐसी सोशल मीडिया होती है उनमें आप शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखिए पूरा देखिए एंड स्किप मत कीजिए, एंड साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली की वीडियो न्यू अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलेंगे आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सब लोगों को गुड लक।